आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सरगर्मियां जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के दौरे पर हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियां भी कमर कस चुकी है। अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में प्रेस वार्ता की और बड़ी बात कही है। बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से एक पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक जाएगी, वहीं अगर बसपा हमारे साथ गठबंधन में आ जाती है तो राज्य में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी। कभी प्रयास वो उसका कारण आप ये भी है कि यहाँ राजस्थान के अंदर कभी प्रयास किसी ने किया नहीं, प्रयोग किया नहीं, और हर बार लोगों को सफलता मिली यार यहाँ के नेताओं ने हमेशा धोखा दिया पब्लिक को। कोई कहता था मैं पार्टी बनाऊंगा, पता लगा पार्टी तो बनी हुई थी, दूसरा नाम ले आए, नहीं बनी पार्टी किसी से, कभी पार्टी बनाई तो एक महीने बाद उसका विलय हो गया। ये आपकी आपका सवाल वाजिब है कि अभी जो राजस्थान के लिए गीत गाया जाता है वीरों की धरती सोरा रेर मीठा मोरानी, वो तो अभी ही पता लगेगा। आप अगर मुझे निकाल दो तो क्या है दिल्ली में आपके पास, 24 आदमी है तो डांट खाते हैं मोदी से, प्रधानमंत्री और कहता है चुपचाप चले जाना, शुक्रवार के बाद मत दिखना, यहाँ पर जाओ अपने अपने एरिया में। ये तो मैं बैठा हूँ तो इज्जत तो लेकर बैठा हूँ स्टेट की, पार्टी बना के जितने भी देश में ये लोग आप जिन जिन का नाम ले रहे हो घूम रहे हैं यहाँ पे, क्यों घूम रहे हैं? लेकिन उनकी हवा नहीं बन रही है। आप पार्टी की हवा क्यों नहीं बनी आप भी जानते हो। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी किसान जवानों की पार्टी है, यह हर किसी का स्टेशन नहीं लगने वाला। यह राजस्थान में आरएलपी इस बार बहुत मजबूती के साथ, मैं ये तो नहीं कह सकता सीटें कितनी आएगी, लेकिन एक पार्टी थर्ड नंबर पर कांग्रेस बीजेपी में राजस्थान के अंदर चली जाएगी। अगर हमारे साथ बसपा और ये गठबंधन में आ जाते हैं तो हमारी बहुत साउंड स्थिति राजस्थान के अंदर होगी। आप देखिए नेताओं में कहां दम है, जो बड़े बड़े नेता बड़े